तो बताओ गाइस अपना ट्री हाउस कैसा लग रहा है। इसे साइड से देखे तो जो रेलिंग है ना ये कुछ इस तरीके से दिखता हुआ। जो ये बीमारी हुआ ना एक्चुअली ये जो उधर फूड की वजह से हुआ। विंडो विंडो रहेगा लोग जब यहाँ पे खाना खाते हैं हम वहाँ पे सो जाते हैं। सो वो सी पीपल दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज ब्लॉगर। तो कैसे हुआ है सब लोग, होप कि आप सब अच्छे हैं। राइट गाइस योर टाइम ऑफ डेट इट्स 1:47 इन द आफ्टरनून एंड भाई के होलिया पर मत जाओ। भाई कैसा दिख रहा है पता नहीं, भाई दुबला पतला सा दिख भी रहा होगा शायद, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा होलिया ना मतलब बद से बदतर हो चुका था, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिनों का सफ़र जो हमने तय किया है वो मुझे पता है सफ़र कहीं नहीं, बस बैड लू बैट लू बैट लू, क्योंकि आपको भाई को हुआ था डायसेंट्री एंड वो भी मतलब ब्लड में से स्टूल जा रहा था। काफ़ी लोगों का कई कई तरीके के मानना था कि हमें ये बीमार हुआ है, हमें वो बीमार हुआ है, तो एक पल के लिए तो मतलब दिमाग में ये भी आया था कि मतलब होना क्या जा रहा है, क्योंकि हम अपने कैंप साइट स्टार्ट करने को है, ये स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, काफ़ी सारे सवाल थे दिल पर। मगर कोई नहीं, अभी भाई अच्छी तरीके से फिट एंड फाइन होता हुआ, मगर फिर भी मेडिसिन अभी भी चल रहा है, मगर आई थिंक उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में ना सब कुछ ठीक हो जाए। एंड जो ये बीमारी हुआ ना एक्चुअली इरेगुलर फूड की वजह से हुआ, क्योंकि इस साल काफ़ी मतलब ट्रिप हुआ हमारा, वो भी लगभग 1.5 महीने का ट्रिप हुआ और भी कंटिन्यूसली, तो उसके चलते मतलब इरेगुलर फूड खाना टाइम पे नहीं था, स्पेशली मतलब जो हम डाइट यूजुअली लेते हैं घर पर वो नहीं मिलता था, तो रीज़न वही था। एंड लाइक आशा करते हैं मतलब आने वाले दिन में सब ठीक हो जाए। तो गाइस यार फाइनली आफ्टर 20 डेज के बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं एंड ब्लॉग भी इस तरीके से कर रहे हैं सीधा ट्री हाउस पर, सीधा कैंप साइट पर आकर कर रहे हैं एंड कैंप साइट का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चलता हुआ। इनफैक्ट कल हम आए थे लगभग 15 दिन के बाद, 15 यार नहीं लगभग 15 से 16 दिन के बाद अपने कैंप साइट एंड अपना कैंप साइट का होलिया कुछ इस तरीके से बदलता हुआ। यहाँ पर काफ़ी काम यहाँ पर हो चुका है, इनफैक्ट टॉयलेट में जो पैन लगना चाहिए वो भी लग चुका है एंड किचन डाइनिंग का जो छत लगना चाहिए वो भी लग चुका है एंड हल्का मतलब कलरिंग कर दिया हमने, अभी भी काम बाकी है एंड अंदर वाला काम अभी भी बाकी है, एक छोटा सा पार्टीशन निकल के किचन का अलग सा भाग निकालना है एंड उसके बाद ये भी तैयार एंड फ्लोर को हमें मेंटेन करना है। एंड यहाँ पे जाइए तो आपको एक थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि वो 1-2 मतलब वहाँ पे लगभग 8 जन तो आराम से नहीं 8 से 10 जन आराम से आ जाएंगे। एंड बॉन फायर का यहाँ पे प्लान भी हम चेंज करते हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं होगा बॉन फायर जिस तरीके से हमने प्लान किया था, और जैसा प्लान के मुताबिक तो वैसा नहीं होता है। एंड आई नो आपका आँख ना मतलब हमारा ट्री हाउस की ओर खींच रहा है मुझे पता है, मगर ट्री हाउस के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे, क्योंकि ट्री हाउस है ही कुछ ऐसा। मगर आपको दिखा दूँ तो टॉयलेट में इंग्लिश पेन लग चुका है कुछ इस तरीके से, ये देखिए पिंडी भी लग चुका है यहाँ पर, इसको खोलो एंड देन या यहाँ पर सेट हो चुका है अपना इंग्लिश पेन, जो कि काम आएगा आपको हमें एंड हम सबको। वैसे यहाँ पे भी काफ़ी काम तो बाकी, अभी भी जो पॉलिथीन है वो मतलब चारों तरफ घेरना है ताकि मतलब वो छेद ना देखे एंड उसके बाद फ्लोर को भी थोड़ा सा मेंटेन करना है। एंड इसके अलावा वी आर ऑल सेट, अब बस 4 से 5 दिनों में मतलब हम ओपनिंग कर देंगे अपना। एंड इंस्टाग्राम पर आओगे तो इस कैंप साइट का शायद नाम भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि यूट्यूब पर ना मतलब आने वाले ब्लॉग्स पर बताएंगे कि क्या नाम से हमने इस कैंप साइट को रखा है एंड क्या बोल के आप आ सकते हो यहाँ पर। वैसे अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो ऑलरेडी पता चल चुका है आपको। एंड या गाइस तो चलो अब ट्री हाउस के ऊपर, वैसे ट्री हाउस में हमने क्या बोलते हैं उसे, ये कलर मतलब प्राइमर भी नहीं, कलर भी नहीं, और क्या बोलते हैं उसे भूल गया यार, मतलब ये कलर को क्या कहते हैं पता नहीं यार, ऐसे ही अब रोज़ाना काम नहीं करते ना, कभी कभार करना पड़ता है तो याद नहीं रहता है। प्राइमर नहीं, हमने शायद बर्निश, हाँ बर्निश यहाँ पे मतलब लगा दे रखे आगे वाले फ्रेम में एंड स्टीयर पर। एंड आपको भी पता है एंड आपको हमने नहीं दिखा अभी कैसा दिख रहा है अपना ट्री हाउस, लास्ट हमने बस वो जब आगे का जो रेलिंग लग रहा था वहीं तक था, मगर अभी वो फिनिश हो चुका है, अंदर का काम बाकी है, मगर फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिखता हुआ अपना ट्री हाउस, ब्यूटीफुल खूबसूरत लाजवाब बेमिसाल, क्या बोलते हो और क्या है मतलब शब्द इसको डिस्क्राइब करने के लिए, सारे के सारे झोंक दो यहाँ पर अपने ट्री हाउस के ऊपर। तो बताओ गाइस अपना ट्री हाउस कैसा लग रहा है, मगर हमें मतलब जितना बार देखूँ मैं उतना बार ही दिल ले दे रहा है एंड सनसेट मतलब सन ऊपर ही हो रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, काला आ रहा होगा। एंड तो चलिए आप लेकर चलते हैं अपने ट्री हाउस के ऊपर, इसे साइड से देखे तो जो रेलिंग है ना ये कुछ इस तरीके से दिखता हुआ बहुत ही खूबसूरत। एंड चलो आप चढ़ाई करके आपको दिखाते ऊपर की ओर, बैक तो वही सीढ़ी भी वही सीढ़ी हमने चेंज नहीं किया है। एंड अगर हम यहाँ पे आए तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हो चुका है अपना ट्री हाउस, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल गाइस, क्या बोलते हो, हमें इतना आसान पसंद आ रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है। एंड ये जो क्या बोलते हो फिर से प्राइमर नहीं बर्निश, या बर्निश लगेगा शायद और चमक उठाए अपना ये फ्रंट वाला जो फेस है ना ट्री हाउस का,
एंड हमने ये साइड वाले में नहीं लगाए, पूरे में नहीं लगाए, क्योंकि ये आइडिया एक्चुअली नहीं था, मगर अब आइडिया आ चुका था, फिर हमने ये लगा दिया है। एंड इसके अंदर जाइए तो वैसे आपको रूम मिलेगा, एंड ये तो हमने ऑलरेडी आपको काफ़ी बार दिखा चुके हैं। एंड यहाँ से अगर हम देखें ना तो गाइस यहाँ पर विंडो, ये विंडो रहेगा, एंड विंडो से आप कुछ इस तरीके का व्यू ले सकते हो। एंड अगर मैं विंडो को बंद कर दें, वैसे भी बंद रखने के लिए, तो ये रहा डोर, एंड डोर से आगे जाए। एंड गाइस आपको दिख रहा होगा अपना जो किचन डाइनिंग में ना हमने प्लास्टिक यूज़ किया इस बार, तो ये टेम्परेरी यूज़ होगा, लगभग एक से डेढ़ या डेढ़ से दो महीने का सफ़र ही हो गया प्लास्टिक का, उसके बाद इसको भी चेंज करना है। एंड बाकी बचा सब कुछ सेट है, हमने जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है ना वो सब कुछ हो चुका है, टेंट आ चुका है, पहले ही आ चुका है, एंड उसके चलते जो जो नेसेसरी चीज़ें वो सब मतलब हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है, वो बस आने में बाकी है। एंड इंग्लिश पेन भी लग चुका है अपना लूपर, एंड ये रहा अपना ट्री हाउस, ट्री हाउस का जलवा कुछ ऐसा। वैसे ट्री हाउस का और एक काम बाकी है अभी, तो ये ब्रांचेस है ना गाइस ट्री का ब्रांचेस की वजह से थोड़ा बहुत ये मतलब हिलता हुआ, तो ब्रांचेस को अगर हम मतलब अच्छे तरीके से वो मतलब सेप में लाए काट कर, तो ये मतलब हिलना और कम होगा, एंड इससे मतलब अपना ट्री हाउस और सेफ रहेगा। तो ब्रांचेस काटना बहुत ज़रूरी है ट्री हाउस का। तो चलो इसको अभी बंद कर देते हैं। वैसे हमने ताला चाबी भी लाए, इसको अभी ताला चाबी लॉक करके जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर हम चलते तो थोड़ा सा सावधानी करके, तो इसका भी कुछ अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। एंड आज वैसे गाइस हम अकेले आए, रमेश दा का कुछ काम आया विलेज इंजीनियर का, तो हम अकेले आए, एंड अभी काम तो हमारा हो चुका है, क्योंकि जो बर्निस हमने लाए थे वो मतलब ख़त्म हो चुका है। दो लाने चाहिए थे एक्चुअली मुझे, क्योंकि बैम्बू में भी लगाना है, मगर एक ही लाए, तो वैसे अकेले है, तो अभी चलते भी भूख भी लग चुका है हमें। एंड मुझे ना गाइस डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया है, क्योंकि फूड टाइम पर लेना, अपना मील टाइम पर लेना, सुबह का, दोपहर का, एंड लाइक डिनर, तो ये टाइम में लेना बहुत ज़रूरी कर दिया मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए, मुझे कहा है वेट गेन करो एंड ज़्यादा स्ट्रेस माइंड मत रहो बोल के। वैसे स्ट्रेस माइंड तो उतना नहीं रहते, मगर काम के चलते रहना पड़ता है कभी कभी। मगर ओवरऑल गाइस जो भी है, यही आपका भाई का छोटा सा प्यारा सा कैंप साइट यहाँ पे बनने को हो रखा है। एंड आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर पता चल जाएगा कि हमारा कैंप साइट का क्या नाम होगा, एंड किस नाम से आप मतलब बोलकर यहाँ पे आ सकती हो, एंड कहाँ से आ सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे हमारा एब्सेंस में लगभग 15 से 20 दिनों के एब्सेंस में यहाँ पे सुनने में आ रखे दो चार ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं नीचे से, मतलब कहीं से भी हो, मगर यहाँ पे आके विजिट कर चुके हैं, देसी ब्लॉगर का कैंप साइट देखना है बोल के। यार मैं आशा करता हूँ आप मतलब बनने के बाद ही आए प्लीज़ गाइस, क्योंकि अभी बस काम ही चल रहा है हमारा यहाँ पे ऐसा, मतलब ओपनिंग के बाद तो मतलब आप सभी के आइए गाइस, आप एनी टाइम आ सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब चिल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी कर सकते हो, मगर अभी मतलब हाल फिलहाल में तो ये बंद ही रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ना आए। वैसे अभी 4 से 5 दिनों के बाद है, उसके बाद तो हम ओपनिंग कर देंगे, तो तब आ सकते हो आप आराम से, बेझिझक आ सकते हो, तब तो सब अरेंजमेंट आपके लिए हम करके बैठे हुए होंगे, मगर अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, प्लीज़ ना आए ऐसे यार। मतलब अगर आप आते हो तो, अगर आप आते हो भी तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप आए हो बोल के, क्योंकि ऐसे ही मतलब प्लीज़ यार, क्या बोलते हो गाइस, ये मतलब रिक्वेस्ट है आपसे। एंड ओवरऑल गाइस यार दिस इज दी कैंप साइट, सो ब्यूटीफुल, मैं खुद ही एक्साइटेड टू इस कैंप साइट को लेकर, एंड मैं दुख भी हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं किसी का भी मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, किसी का भी कॉल अच्छे से ले नहीं पा रहा हूँ, या कॉल बैक कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजी नहीं हूँ गाइस। एक्चुअली जो हमारा फ़ोन है ना गाइस, ये मतलब धोखाधड़ी पर उतरा हुआ है, ये मतलब ये चलता ही नहीं है एक्चुअली, मतलब एक ढंग से मतलब वो कॉल लॉग में भी नहीं जाता है, अगर दबता है तो फिर वो मतलब कॉल लॉग दबने के बाद साथ मतलब क्या क्या दबता है, मतलब कहाँ कहाँ क्या जाता है। तो आई एम वेरी सॉरी अगर इस बीच मतलब आपको ना मतलब कोई कुछ मैसेज गया होगा, रैंडम मैसेज हमारे अकाउंट से, तो मैं दिल से मतलब माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे अभी। वैसे आज शाम को हम अभी जाएंगे सिलीगुड़ी, इसलिए हम काम भी हाफ डे यहाँ पे रख रहे हैं, तो शाम को सिलीगुड़ी तो नहीं, खपरेल तक जाएंगे, एंड वहाँ पर अपना भाई, तो भाई के चलते हम अपना डिस्प्ले को चेंज करेंगे, एंड शाम को बात होगा आपसे इंस्टाग्राम पर। नहीं तो मतलब पिछले 4-5 दिनों से मतलब मैं ब्लैंक हूँ एक्चुअली, तो मैं वहाँ पे नीचे भी नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि काम करना है, हेल्थ से भी अभी उठाऊँ, तो सारा चीज़ों को मतलब ध्यान में रख के हमें करना है, तो इसलिए सॉरी गाइस, इस बीच अगर किसी भी टाइप का मैसेज आपको गया ना, तो गाइस प्लीज़ माइंड मत करना यार, तो हम शाम को ठीक कर देंगे। तो अभी चलो चलते अपने घर की, और भूख लग चुका है हमें, तो आज का काम बस हाफ डे ही था, क्योंकि यही काम के लिए हम आए थे एक्चुअली। एंड अभी यहाँ से निकलकर घर में जाकर खाना खाकर फिर जाएंगे नीचे की ओर, फ़ोन बनाएंगे, एंड उसके बाद आपसे बातें करेंगे। एंड इस बीच ना काफ़ी लोगों का कॉल आ चुका है मुझे पता है, मिस कॉल हम देखते हैं, मगर जब रिसीव करने के टाइम पर अच्छे से होता ही नहीं, रिसीव हो मतलब होता ही नहीं एक्चुअली यार,
हम आपका कॉल तो देखते हैं, मिस कॉल देखते हैं और कॉल बैक भी नहीं कर पाते ये अक्सर लगभग। तो उसके लिए गाइस गुस्ताखी माफ़, प्लीज़ नाराज़ मत होना। एंड अभी ना हम एक काम करके जाएंगे, हमने यहाँ पे ताला लेकर आ रखे की, तो इसको अभी ट्री हाउस और लू पर लगा देते हैं, टॉयलेट पर, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी है अभी। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग आ रहे हो इसलिए लगा रहे हूँ, मगर अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है तो इसको भी लगा ही देते हैं। वैसे ताला काफ़ी छोटा है, ये देखिए, तो एक लू पर जाएगा और एक अपना यहाँ पर ट्री हाउस पर। तो लीजिए गाइस, अपना ट्री हाउस लॉक हो चुका है अभी। तो ये रहा कलर का डब्बा जो कि अभी काम में नहीं है, एंड दूसरा वहाँ पर लगाते हैं। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ट्री हाउस बनने पर, आप आओगे कि नहीं, बैठोगे कि नहीं, शाम मतलब दोस्तों के साथ बिताओगे कि नहीं। तो चलो यहाँ पर लग चुका है एंड सब सेट हो चुका है, और ये दो चाबी हमें रखना है क्योंकि ये ज़रूरी हो चुका है, वैसे एक ना एक दिन तो हमें लॉक करना ही है। एंड अभी बस जो बाकी बचा काम है एक्चुअली किचन डाइनिंग को लेकर है, डाइनिंग तो निकल चुका है, थोड़ा सा पार्टीशन बाकी है एंड वो थोड़ा कवर करना है बस। उसके बाद हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा एंड बॉन फायर यहाँ पे नहीं होगा, बॉन फायर के लिए हम यहीं कहीं देख रहे किस हिसाब से इंतज़ाम होगा वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलो गाइस अभी यहाँ से चलते घर, एंड वैसे हम मोटर ब्लॉग नहीं कर रहे, सीधा यहाँ के आके काम ख़त्म करके आपके साथ गुफ्तगु करना हो रहा है, क्योंकि आपको भी काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे पता है। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हो कहाँ हो भाई, क्या हुआ, कैसे हो, कैसा है मतलब तबीयत, एंड कब ब्लॉग डालोगे, अपलोड करोगे, एंड लाइक हमें ब्लॉग देखने को मिलेगा कंटिन्यूस बोल के। वैसे आज से मतलब कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कहूँगा, मगर ब्लॉग आता रहेगा, अपडेट हम करते रहेंगे आपको। ऐसा नहीं कि मतलब अभी ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग आता रहेगा। वो तो नहीं आया था तब हम बीमार थे, एंड बीमार में क्या ब्लॉग करेगा, क्या बोलते हो। सो राइट गाइस, टाइम अपडेट 6:53 इन द इवनिंग दिया, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम अपना फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं, एंड जिस बंदे ने हमारा फ़ोन बनाया ना गाइस, इसे तो आपने लाइक मार्च में मिले होंगे वीडियो के जरिए, कैमरा के जरिए, मगर आज फेस टू फेस फिर से दोबारा मिलाते एंड हमारा फ़ोन भी वही जनाब बनाते हुए। हेलो गाइस, हिल साइड यहाँ पर, हाँ हिल साइड ब्लॉगर, तो वो तो चलो यूट्यूब का है, बाकी यहाँ पर भैया का फ़ोन बन चुका है, आप जैसे कि देख सकते हो। कि पैटर्न तो नहीं दिखाऊंगा, बाकी चला के मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ आप चला के देख सकते हो, ठीक है, ऐसे रनिंग हो चुका है इधर का पूरा स्क्रीन, और पीछे का भी भैया ने थोड़ा कलर डिमांड किया था कि मेरे को ब्लैक चाहिए। एक्चुअली पहले ये था ना, हाँ ये वाला ब्लू वाला था, एक्चुअली पहले ये था, यस पहले ये था, टूट गया था जो कि, एंड कलर भी चेंज हो गया, प्लस ये टूटा हुआ नया लग चुका है। एंड भैया का जो स्क्रीन था जो बहुत दिक्कत दे रहा था भैया को, उसको भी हम लोगों ने खोल के फेंक दिया है। सो गाइस यार, स्क्रीन का सीन ना मतलब कुछ ऐसा ही है, मतलब क्या दबाता था, क्या हो जा रहा था शायद इसके वजह से, पता नहीं, अब चेक करना पड़ेगा किस किस को, अगर मतलब कोई रैंडम मैसेज चला गया कि नहीं तो मैं एक बार चेकआउट कर देखता हूँ, उसके बाद फिर माफ़ी मांगते हैं आपसे, क्या बोलते हो। तो वैसे हमारे साथ विशाल भाई आए गाइस, तो फाइनली भैया दुकान पे है, तो ये डिस्प्ले तो भैया को ले जाने नहीं देंगे, याद है दुकान का, भैया का डिस्प्ले का याद रहेगा दुकान पे। अच्छा चलो फिर बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर सुन भाई क्या बोलते हैं, तो भैया अपना भाई यहाँ पे मेहनत करता है हमारे लिए, एक्चुअली मतलब सोचो हमें जाना नहीं पड़ा, वो हैक्टिक सीन से हमें मतलब हमें वो हैक्टिक सीन करने नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपना फ़ोन लेकर वो सिलीगुड़ी मार्केट चले गए, एंड वहाँ से मतलब कुछ जो नेसेसरी चीज़ें वो ला कर फिर खुद ही यहाँ पर बना रहे हैं। एक्चुअली बढ़िया, थैंक यू सो मच ब्रो, यू आर ऑलवेज वेलकम। ऐसे मतलब सिर्फ गले मिलते हैं, हमेशा देखते हो कैमरे में कि भाई वो दिखावटी नहीं है, एक्चुअल में जब काम पड़ता है तब काम आना चाहिए, नहीं तो भाई भाई क्या चीज़ का है। तो जैसे मतलब इनको पता चला कि अपना फ़ोन ब्रेक हुआ बोल के, तो वो खबर भी ये भाई ने दिया इनको एक्चुअली ना, तो वैसे ही मुझे फ़ोन आया इनका, एंड बता रहे थे कि भैया मतलब भैया आपका फ़ोन ऐसा ऐसा क्या है, मतलब आ जाओ इधर हम कर देंगे। तो मेरा भी जब फ़ोन टूटा था मुझे पता था अजय भाई ये करते बोल के, मतलब ये काम करते, तो इनको हम कॉन्टेक्ट करने वाले थे, वैसे इन्होंने खुद ही कर लिया, ये बड़प्पन है।
सो गाइज यार सीन कुछ ऐसा है, अभी फ़ोन भी ठीक हो चुका है एंड शुभम का भी फ़ोन कुछ बनाना है रिपेयर एंड उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है हमारे लिए, रात हो चुका है क्योंकि हम तो पहाड़ी बंदा है, ये भाई लोगों के लिए अभी भी रात रंगीन है, क्या बोलते हो? ये लोग जब यहाँ पे खाना खाते हैं हम वहाँ पे सो जाते हैं, ये फ़र्क रहता है एक्चुअली। तो विद दिस गाइस मैं स्वीट से वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, बाय बाय। चलो भाई बोल दो, बाय 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 बाय।